हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेक। और आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा ओप्पो रेनो की, जो कि है काफ़ी पावरफुल फ़ोन। और देखिए आप इस वीडियो को अंत तक। तो करते हैं फ़ोन की सील ब्रेक। बॉक्स हो चुका है अनबॉक्स और सबसे ऊपर मिलता है हमें ये एक सेक्शन, जिसके अंदर हमें मिल जाता है कुछ एक बेसिक सा ओप्पो का पेपर वर्क, वारंटी कार्ड वगैरह, जो कि है किसी काम का नहीं। और बाकी इस केस में हम देखें तो इसमें और कुछ नहीं है, ये एकदम खाली। यहाँ मिल जाती है हमें हमारी मेन यूनिट और हल्की सी हैवी है, साइज़ ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही है। इसको रखते हैं एक बार हम साइड में। उसके बाद में नीचे मिल जाता है हमें ये एक और सेक्शन, जिसके अंदर सबसे पहले हमें मिल जाती है ये एक USB टाइप सी की चार्जिंग केबल, जो कि सपोर्ट करती है फास्ट चार्जिंग को। और इसी के नीचे हमें मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल, और यहाँ हमें मिल जाता है ये एक हार्ड केस, जो कि है ब्लैक शेप में, और ये थोड़ा सा प्लास्टिक भी है। ये थोड़े दिनों बाद में पीला हो जाता है, तो क्वालिटी इनको अच्छी बनानी चाहिए। और ये है इनका एक सुपर फास्ट चार्जर, जिसकी अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो इसकी आउटपुट है 5 वोल्ट 4 एम्पीयर, यानी कि 20 वोल्ट का है ये चार्जर। और उसके बाद में हमें नीचे मिल जाते हैं ये एक 3.5 mm जैक वाले ये ईयरफोन्स, जो कि है काफ़ी अच्छी बात कि 3.5 mm जैक है वो है इस फ़ोन में दिया गया हमें। और आगे देखते हैं हम, लास्ट जो है इसके अंदर वो है ये है सिम इजेक्टर टूल, जो कि है काफ़ी काम की चीज़, आएगी काम में। इसको भी रख दें हम एक बार साइड में। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारी मेन यूनिट को, उतारते हैं इसका प्लास्टिक रैप और पीछे से भी उतारते हैं। और ये है ओप्पो रेनो, ये रेनो की ब्रांडिंग, डिजाइंड बाय ओप्पो। और ये हल्का सा एक ग्रीन है वो टच यहाँ पे, और पीछे दिया गया हमें यहाँ है ड्यूल कैमरा। अब बात करते हैं फ़ोन के फ्रंट साइड की। फ्रंट साइड में हमें एक स्क्रीन पे जो पतली सी पन्नी आती है वो चिपकी हुई मिलती है। तो एसेसरीज़ के नाम पर हमें कवर मिल जाता है, ईयरफोन्स मिल जाते हैं, और ऊपर स्क्रीन के लिए हल्का सा एक प्रोटेक्टर भी मिल जाता है। तो अलग से कोई खर्चा करने की है वो ज़रूरत है नहीं। अब बात करते हैं हम इसकी फिजिकल ओवरव्यू की। तो ये एक ग्रीन शेप में यहाँ दिया गया है पावर लॉक अनलॉक बटन। ऊपर की तरफ हम अगर बात करें तो यहाँ है सेकेंडरी माइक्रोफोन, और ये है एक सेल्फी कैमरा पॉपअप निकलने के लिए। बात करते हैं हम इसके लेफ्ट साइड की, तो यहाँ हमें मिल जाता है वॉल्यूम रोकर बटन्स, और ऊपर मिल जाती है हमें सिम ट्रे। हम देखते हैं हमें क्या ऑप्शन मिलता है। और ये एक ड्यूअल सिम ऑप्शन है, इसमें माइक्रो एसडी का कोई जगह है नहीं इसमें। और फ़ोन की अगर हम नीचे की तरफ अगर बात करें तो हमें लेफ़्ट साइड में मिल जाता है 3.5 mm जैक, उसकी साइड में मिल जाता है प्राइमरी माइक्रोफोन, यूएसबी टाइप सी पोर्ट, और साइड में मिल जाती है सबसे राइट साइड में हमें स्पीकर ग्रिल। तो ये थी इस फ़ोन की थोड़ी सी हल्की सी फिजिकल ओवरव्यू। फ़ोन हो चुका है हमारा बूट, और सबसे पहले हम जाते हैं इसकी सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद में हम देखते हैं इसमें अबाउट फ़ोन में क्या हमें कुछ मिलता है। तो ये है फ़ोन, वो है स्नैपड्रैगन 710 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ में, 8 GB की जो है वो है इसमें रैम है, 128 GB का स्टोरेज है, और एंड्रॉयड 9 पाई कलर OS 6 के साथ ये करता है काम। और अब मैं इसका आपको थोड़ा सा और डिटेल देता हूँ। इसकी जो बैटरी है वो है 3750 mAh की, और जो रियर साइड में जो प्राइमरी कैमरा है वो है 48 MP का, और जो सेकेंडरी कैमरा है यहाँ पे वो है 5 MP का डेप्थ सेंसर। अब बात करते हैं हम इसी सेल्फी कैमरा की, जो कि पॉपअप होता है। और ये जो कैमरा है ये है 16 MP का। तो ये था इस फ़ोन की कुछ मेन स्पेक्स, जो कि बनाते हैं इस फ़ोन को कुछ खास। और प्राइस की जो मैं बात करूं वो है इसकी 33,000 रुपये, 32,990 रुपये, जो कि कुछ थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब 48 MP का एक कैमरा है और स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर है। तो ये सारी चीज़ें तो रियलमी एक्स वगैरह में भी मिलती हैं 15,000 रुपये में। तो काफ़ी कॉस्टली है ये फ़ोन, डिज़ाइन के मामले में काफ़ी अच्छा है। गोरिल्ला ग्लास 6 का है वो, इसमें प्रोटेक्शन यूज़ किया गया है, एमोलेड डिस्प्ले है फुल HD, और जो 48 MP इससे हम 4K वीडियोज़ भी है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि फ्रंट कैमरा है, उससे हम फुल HD वीडियो ही रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब मैं इसका एक छोटा सा सिक्योरिटी टेस्ट करना चाहूँगा। तो मैंने इसमें फेस और फिंगर दोनों इनरोल कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम फिंगरप्रिंट चेक करते हैं, जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है,
और कितना ये फास्ट है, तो ये कुल मिला के ठीक ठाक फास्ट है और खुल जाता है। अब मैं चेक करता हूँ इसका फेस अनलॉक की फेस है वो कितना जल्दी से काम करता है। तो ये थोड़ा सा जैसे मैं इसकी तरफ कंटिन्यूसली देख रहा हूँ तो हल्का सा एक सेकंड का टाइम लेता है। तो फिंगरप्रिंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है, फेस अनलॉक थोड़ा सा स्लो है, इसमें पॉपअप होने में एक दो सेकंड का टाइम लग जाता है। और डिज़ाइन की मैं बात करूँ तो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी, और ये जो पीछे वाली डिज़ाइन है एकदम कर्व्ड डिज़ाइन है, तो हैंडलिंग है वो काफ़ी शानदार होती है इससे। लेकिन मैं इसको कहूँगा कि एक ओवर प्राइस्ड फ़ोन है। अब टेस्ट करते हैं इसका हम कैमरा और वीडियो को, आप देखिए आगे मैं इसी फ़ोन से शूट करता हूँ कुछ वीडियोज़ और कुछ फ़ोटोज़। ये कर रहा हूँ दोस्तों मैं शूट ओप्पो रेनो से, जिसकी क्वालिटी है मुझे वो काफ़ी अच्छी लग रही है, और मैं आपको एक हल्का सा लुक देता हूँ 360 डिग्री का, तो आप इसमें क्वालिटी है वो थोड़ी बहुत देख सकते हैं कि कुल मिला के क्वालिटी है वो ठीक है। थोड़ा सा हम इसका है वो जूम टेस्ट करते हैं, ये 1:zoom है, ये 2:zoom है, और 2:zoom है वही इसका क्लियर है, और ये 10:x तक जूम हो सकता है लेकिन है वो इतना क्लियर नहीं रहेगा। ये है इसका 10:zoom जो कि क्लियर नहीं है, और ये है 1:zoom। तो जूम आपने देख लिया इसका, मैं कुछ फ़ोटोज़ लेता हूँ आप फ़ोटोज़ देखिएगा। ये फ़ोटो ली है मैंने सेल्फी कैमरा से जो कि है 16 मेगापिक्सल का, और ये फ़ोटो है ये मैंने ली है विद फ्लैश के साथ में, और ये जो फ़ोटो है ये मैंने ली है पोर्ट्रेट मोड में जो कि काफ़ी अच्छी आई है, और ये लैंडस्केप व्यू है और क्वालिटी है वो कुल मिला के ठीक ठाक है। ये रियर कैमरे से हैं दोनों फ़ोटोएँ। और अब मैं कुछ टेस्ट करना चाहूँगा बोके इफ़ेक्ट के, तो ये है बोके इफ़ेक्ट, और ये मैं कुछ शॉट्स ले रहा हूँ जो कि हैं मैक्रो शॉट्स और एकदम नज़दीक से लिए हुए शॉट्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी कि ये शॉट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।